आज लंबे इंतजार के बाद फाइनली Xiaomi ने अपना Redmi K20 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस फोन की अगर बात करें दोस्तों तो नो डाउट दोनों ही फोन जो है काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करें दोनों फोन की प्राइसिंग को लेके तो काफी ज्यादा हैं। और ये मैं सिर्फ अकेले नहीं कह रहा हूँ, आप भी शायद उम्मीद कर रहे थे कि इस फोन की जो प्राइस होगी वो कम होगी। Redmi K20 Pro फिर भी ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें Snapdragon A55 है तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन चाइना की अगर प्राइसिंग देखें तो उसके हिसाब से दोस्तों मुझे लग रहा है 1-2 हज़ार रुपये Redmi K20 Pro की भी ज़्यादा है। अगर ये फ़ोन लगभग 26 हज़ार रुपये में लॉन्च होता इंडिया में 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता। और 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज की अगर 30 हज़ार के आसपास भी होता तो चल जाता। लेकिन जाने दीजिए, Redmi K20 Pro की बात नहीं करूंगा। Redmi K20 Pro मैं अभी भी कहूंगा कि अभी भी ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है और सबसे चीपेस्ट फ़ोन है जो Snapdragon 855 के साथ आपको देखने को मिल रहा है इंडिया में। तो अगर आप Redmi K20 Pro लेना चाहते हैं तो ज़रूर से लीजिए, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। लेकिन दोस्तों आप अगर Redmi K20 लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, Redmi K20 जो है आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अगर आप देखें 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज की उसकी प्राइस रखी गई है लगभग 22 हज़ार रुपये और 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज की लगभग 24 हज़ार रुपये। अगर आप 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको जो है Redmi K20 Pro मिल जाता है, तो आप क्यों 24 हज़ार रुपये में Redmi K20 लेंगे? और सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास दोस्तों ये है कि अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो भी 20 हज़ार के नीचे। अगर देखा जाए दोस्तों तो एक नॉर्मल इंसान जो है ना 20 हज़ार रुपये के ऊपर जाना नहीं चाहता है, और हम उम्मीद कर रहे थे Redmi K20 को कि ये जो फ़ोन है 20 हज़ार के नीचे लॉन्च होगा ये Realme X को जो है एकदम किल कर देगा। लेकिन अभी मैं आपको यही कहूंगा, अगर अभी आपको कोई नया फ़ोन लेना है तो आप जो है Redmi K20 की बजाय Realme X को ले सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, दोनों फ़ोन में आपको जो है स्पेक में थोड़े बहुत डिफरेंस देखने को मिलते हैं। क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं मैं आपको बता देता हूं। डिस्प्ले दोनों की सेम है, सुपर एमोलेड आपको देखने को मिल जाता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। जो बैक पैनल है वो Redmi का ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ग्लास बैक बॉडी आपको देखने को मिलती है, जबकि Realme X में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है। लेकिन दिखने में दोस्तों दोनों ही फोन जो है काफी अच्छे हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर के मामले में दोस्तों Redmi K20 डेफिनेटली यहां पे विनर है, लेकिन Realme X में भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा अगर हम इसकी प्राइसिंग को ध्यान दें। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे बैटरी लाइफ की, तो बैटरी में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है जो कि आपके Realme X को जल्दी से चार्ज कर देता है लगभग 70-80 मिनट में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैमराज की, तो कैमराज में थोड़े बहुत जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। Redmi K20 में आपको जो है वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है और टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। वहीं पर अगर मैं बात करूं Realme X की, तो 48 प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा आपको इसमें देखने को मिल रहा है Sony IMX586 का मेन सेंसर के साथ। तो कैमरास में दोस्तों थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन Realme X में भी कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। तो अगर हम इसके प्राइस पॉइंट को ध्यान दें तो अपने प्राइस में Realme X जो है ये भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको इतने ज्यादा पैसे दे के Redmi K20 लेना चाहिए, इसके जगह जो है आप Realme X ले लीजिए। अगर प्राइसिंग को ध्यान दे दोस्तों तो मेरे ख्याल से Realme X यहाँ पे बेटर डील है, क्योंकि ये 17 हज़ार में आपको 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज दे रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करें Redmi K20 की, तो ये 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 24 हज़ार में मिल रहा है, यानी 7 हज़ार का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे आप जो है Realme X के साथ जाइए 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला जो आपको 17 हज़ार में मिल रहा है, नहीं तो दोस्तों आप जो सीधा Redmi K20 Pro बाय कर लीजिए। इसके बीच में Redmi K20 लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा है। 20 हज़ार रुपये तक अगर होती तो ये फोन मैं कहता कि आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, Redmi K20 Pro लो या फिर Realme X ले लो, Redmi K20 लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बस दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और बताइएगा मुझे कमेंट में कि क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।